फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रेक्षा, अनदर डे अनदर वीडियो। सो इन टुडेस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अमेजिंग एंड अफोर्डेबल डीआईवाई हेयर मास्क, जो आप अपने घर पे बना सकते हैं इजीली एंड आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और इससे आपके हेयर बहुत ज्यादा सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी और मेरे जैसे थिक एंड लॉन्ग हो जाएंगे। तो अगर आप इस हेयर मास्क को मंथ में एटलीस्ट 2 to 3 times अगर आप इसको यूज करोगे तो आपके हेयर बहुत ज्यादा सिल्की एंड सॉफ्ट भी हो जाएंगे और आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपके हेयर में जो स्प्लिट सेंस है वो भी रिमूव हो जाएंगे, डैंड्रफ भी नहीं होगी। सो गाइस प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि मैं इस हेयर मास्क को कैसे बनाती हूँ, कैसे इसको अप्लाई करती हूँ अपने हेयर में और कुछ हेयर केयर टिप्स भी दूंगी। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो ए बिग बिग थम्स अप and subscribe to my channel down below and also hit the bell icon so you will notify about my upcoming videos whenever I will upload। also guys comment करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको ये hair mask कैसा लगा और इसके results कैसे रहे। also you can follow me on my Instagram, this is my Instagram handle here, I will keep you updated here about my personal life and about my YouTube videos updates, so follow me there and yeah, without further ado let's get started with today's video। बालों को डीप नरिशमेंट पहुंचाने के लिए हम ये हेयर मास्क बनाएंगे। इसके लिए आप एलोवेरा जेल डायरेक्ट प्लांट से ले सकते हैं या फिर रेडीमेड एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। याद रहे कि इसका येलो पार्ट आपको यूज़ नहीं करना है, इसको अच्छी तरह से कट कर लेंगे और आपको इसका वाइट जेल पार्ट ही यूज़ करना है। क्या होता है जब हम बाहर जाते हैं और अपने बालों का कवर कर नहीं पाते हैं तो पॉल्यूशन से हमारे हेयर कॉन्टेक्ट में आते हैं और या फिर यूवी रेज के हार्मफुल रेजों से कॉन्टेक्ट में आते हैं जिससे हमारे हेयर पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप फेस कर सकते हैं डैमेज, हेयर फॉल, फ्रिजीनेस और यहाँ तक कि डैंड्रफ एंड स्प्लिट्स एंड की प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। सो हमें डीप नरिशमेंट एंड कंडीशन के लिए हम ये हेयर मास्क बना रहे हैं और आप एलोवेरा अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ही कट करिए। अगर आपके हेयर मेरे जितने लॉन्ग हेयर हैं तो आप जितना मैं कट कर रही हूँ, जितना मैं बना रही हूँ हेयर मास्क, आप उतना बना सकते हैं। अगर आपके हेयर थोड़े शॉर्ट हैं तो इससे लेस इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करिए। इस हेयर मास्क को आप बहुत अच्छे से घर पर बना सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स को आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही अवेलेबल होंगे आपके। एंड ऑल्सो गाइज, अभी तो क्वारंटीन है तो सब अपने अपने घर पे अपने हेयर को अच्छा बना सकते हैं और जैसे ही ये लॉकडाउन एंड क्वारंटीन पीरियड ख़त्म होगा आपके हेयर बहुत ज़्यादा स्मूथ, सिल्की, शाइनी हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। तो आप इस हेयर मास्क को ज़रूर ट्राई करिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह हेयर मास्क कैसा लगा। और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसका पेस्ट बना लेंगे लाइक दिस। आप इसको ग्राइंडर से ग्राइंड भी कर लीजिए जिससे कि अच्छा पेस्ट बन जाए और इसके लमसम ना रह जाए हमारे हेयर में जब हम इसको वॉश करेंगे। इसके बाद हम लेंगे ग्लिसरीन, ये आपके बालों को और ज़्यादा स्मूथ, सिल्की और शाइनी बनाएगा। ये ऑयल प्रोडक्शन को भी बैलेंस करता है हमारे हेयर स्कैल्प में, सो आप इसको ज़रूर यूज़ करिए। ये हमारे हेयर में नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और हमारे हेयर में मॉइस्चर को लॉक करता है। अब हम लेंगे रोज़ वाटर, एक माइल्ड सी फ्रेग्रेंस आएगी जिससे हमारे हेयर बहुत अच्छे हो जाएंगे। और उसके बाद हम लेंगे आलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल, इन तीनों में से आप कोई सा भी एक ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई दो यूज़ कर सकते हैं। ये सब हमें 1 tablespoon ही लेना है। अब हम विटामिन ए कैप्सूल डाल रहे हैं, आप विटामिन ए कैप्सूल भी डाल सकते हैं, ये आप 2 डालिए। अगर आपके हेयर मेरे जितने लॉन्ग हैं, मुझसे छोटे हैं तो 1 कैप्सूल ही डाल सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हनी बालों में नहीं लगानी चाहिए, उससे बाल वाइट होते हैं, पर ये सब मिथ है। हनी लगाने से बाल वाइट नहीं, सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाते हैं। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे और आप चाहे तो इस मिक्सचर को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, अच्छे से क्रीमी पेस्ट बनाकर इसे यूज़ करिए। तो पहले आप अपने बालों को 2 पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए एंड देन उसके बाद अपने हाथों से पकड़कर इस तरह नीचे से ऊपर तक कॉम करें जिससे आपके हेयर सुलझ जाएं और हेयर टूटे भी नहीं। अब हमें जो डीआईवाई हेयर मास्क बनाया है उसको मैं मैजिकल क्रीम बुलाऊंगी क्योंकि ये मैजिक की तरह वर्क करता है हमारे हेयर्स में। ये बालों को अच्छी तरह से सिल्की, सॉफ्ट, शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसको मैं बालों में, रूट्स में, टिप्स में एंड हेयर लेंथ में अच्छी तरह से लगा लूँगी। आपको फोर्सफुली बालों में कुछ भी नहीं करना है, एकदम जेंटली अच्छे से अपने आराम आराम से लगाएं इस हेयर मास्क को अपने बालों में, पूरे हेयर में अच्छी तरह से लगा लेंगे
हमें आगे से पीछे तक अच्छे से इसका हेयर मास्क को पहले स्कैल्प में लगाना है। तो मैं जैसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इस हेयर मास्क को लगा रही हूँ, उसी तरह से आपको लगाना है। मैंने जैसे आपको बताया था एक वीडियो में, इससे पहले मैंने ऑयलिंग वीडियो बनाया था जिसमें मैंने हाउ टू ऑयल योर हेयर बताया था, उसमें भी मैंने ऐसे डिवाइड करके अपने हेयर में ऑयल किया था। तो अगर आप चाहें तो मैं आई बटन में डाल दूँगी इस वीडियो को, तो आप चेक कर सकते हैं। सो गाइज, आपको हेयर लेंथ एंड एंड्स में भी अच्छे तरह से इस हेयर मास्क को लगा लेना है, जिससे आपके हेयर लेंथ और एंड्स भी बहुत अच्छे से नरिशमेंट मिले उन्हें और वो भी अच्छे से सॉफ्ट एंड शाइनी हो जाएं। इसके बाद मैं एक बन बना लूँगी जिससे ये मास्क मेरे फेस एंड क्लोथ्स को मैस ना करे। अब ये हेयर मास्क हम कम से कम 2 आवर्स या मैक्सिमम 2 आवर्स से ज़्यादा लगा रहने दीजिए। वॉश करने के बाद मेरे हेयर में आप देख सकते हैं नेचुरल शाइन वापस आ गई है। आपके हेयर स्ट्रांग हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे इस हेयर मास्क को अप्लाई करने से, क्योंकि मैं ये हेयर मास्क बहुत बार यूज़ करती हूँ एंड इससे मेरे हेयर फॉल भी नहीं होती है और मेरे हेयर में काफ़ी फ़र्क आया है। और आप भी देख सकते हैं मेरे हेयर की डेंसिटी, मेरे हेयर कितने ज़्यादा लॉन्ग शाइनी एंड स्ट्रांग हो चुके हैं। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।